हाय दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ भाई, क्योंकि मैं भाई शादी के लिए मैं चले गया था 10 एक दिनों के लिए, तो उस कारण से कुछ मेरा वीडियो बनाना भी नहीं हुआ और कुछ आपको शौक भी कराना नहीं हुआ। आज चलो भाई आपको मैं कुछ मेरे जो मैं बाहर गाँव गया था, तो जो आपको मैंने गए वीडियो में बताए थे मेरे कुछ पिजन्स क्लास में एक्स थे, तो अभी उनमें से जो बच्चे निकले आपको उनकी क्वालिटी बता देता हूँ। और मैंने जो सामान मेरा कुछ रख के गया था, ये वाला ऑटोमेटिक ट्रे और ड्रिंकर, तो ये भी आपको इसका भी बताता हूँ कि मैं कैसे 10 दिन तक बाहर चले गया था और बिना टेंशन के वो इसमें से दाना पानी करते रहे भाई कबूतर, और देखो अंदर का हाल क्या कर दिया इन्होंने। चलो ये देखो भाई, अंदर पूरे इन्होंने दाने गिरा दिए भाई, ऊपर भी देखो भाई पूरे इनके दाने दाने गिर के। और जो आपको हैदराबादी का जोड़ा बताया था उसका ये भाई बच्चा निकल के 10 दिन हो गए भाई, मैं था नहीं यहाँ पे, तो अभी ये भी पेयर जो रेसर था मेरा वो भी ब्रीडिंग पे आ गया यहाँ पे, और इनके पास में भाई देखो 2 बच्चे है, और ये मैंने पानी रख के चल गया, इनको पानी का पता नहीं था इस कारण से। देखो भाई बच्चा भी निकले भाई, ये हैदराबादी का क्वालिटी देखो भाई किस टाइप में का बच्चा निकला वाला हैदराबादी का, ये देखो भाई बबरे में ऐसे आए हुआ है भाई ये। बहुत ही अच्छे क्वालिटी का बच्चा निकले हुआ है भाई हैदराबादी होगा। आप तो देखिए भाई लॉप का हाल, अभी साफ सफाई करना पड़ेगा, बहुत दिनों के बाद में भाई आया हूं मैं, लॉप नहीं देखो, अंडा भी यहाँ पे गिर के जाए उसका, ये देखो भाई अंडा भी गिर के, मैं कुछ हुआ नहीं भाई मेरे से इस कारण से मैं चले गया था कुछ 10 दिनों के लिए। पर भाई ऑटोमेटिक ट्रे और ऑटोमेटिक जो ड्रिंकर आते भाई बहुत काम आते, और जो आपको रेसर के मेरे बच्चे बताया था वो भी बहुत बड़े हो चुके हैं, उसका भी आपको शौक करा देता हूँ भाई। देखो भाई एक मिनट भाई, ये भाई देखो रेसर का वो एक बच्चा इधर है, कैसा हो गया देखो भाई, जब आपको बताया था जब बच्चा था मैंने खुद 10 दिनों से बच्चे को देखा नहीं था, उसके बाजू में दूसरा बच्चा, ये 2 बच्चे भाई रेसर के। ये देखो भाई अभी भी ये जो ऑटोमेटिक ट्रे है और ड्रिंकर, देखो भाई 10 दिन का आराम से भाई 10 लीटर पानी 10 दिन तक अभी पुर जाता है उनको, और ये मेरा ऑटोमेटिक ट्रे, इसमें भी देखो भाई अभी भी दाने है कुछ जितना, ये देखो भाई इसमें भी अभी कुछ दाने है देख सकते भाई आप, मैं सिर्फ इसके अंदर गेहूँ डाल के गया था, दूसरा मिक्स दाना डाला नहीं हो भाई मैंने अभी तक इसमें। और ये मेरा ड्रिंकर है भाई 5-5 लीटर के भाई 2, इसमें भी अभी भी पानी है, अभी भी मतलब 10-12 दिन तक आराम से अपन जा सकते बाहर, मिनिमम भाई 10-1 कबूतर होंगे अपने उसमें, तो 10-1 दिन तक आराम से अपन बाहर जा सकते भाई घूमने के लिए ड्रिंकर पे रख के। और अभी ये तो नहा रहे है, ये देखिए भाई बच्चे, ये एक बच्चा भाई और वो एक बच्चा, देखो भाई क्वालिटी देखो भाई बच्चों की, आप किस प्रकार के क्वालिटी के बच्चे दया हुए हैं उनके रेसर के, ये उनका रेसर बाप देखो भाई, अभी बहुत 10 दिन के बाद में भाई बाहर निकले है कबूतर, अभी नहाना गिना चालू करती उन्होंने क्योंकि बहुत दिन से निकाला नहीं था भाई। और ये बच्चा एक कुछ तो भी लंगड़ के चल रहा है, इसको भी देखना पड़ेगा क्या हुआ है भाई, क्योंकि मैं आया अभी लॉफ्ट पे उसके बाद में मुझे दिखा है वो बच्चा, उसको देखता हूँ भाई क्या हुआ था, भाई टाइम मिला नहीं इतने, मैंने किसी को भेजा नहीं देखने के लिए। और ये कुछ मैंने यहाँ पे मट्टी रख के लाल मट्टी सिंपली ईंट का भूरका है भाई वाला, आप इस टाइप में भी कर सकते हैं। और सबसे भाई जो जो भाई को भाई ये होना होगा बाथ टब, तो एक काम करो भाई इस टाइप में आपको ये मिलेगा 200-250 रुपये का कुछ रहता है भाई, वो जो टब बोलते हैं उसको अपन कूलर का, वो टब मिल जाएगा भाई 200-250 कुछ 300 रुपये का कुछ अंदाजे, तो वो आप उसके अंदर पानी भर के बाहर से जो 1200-1300 में टब लाते हैं उससे अच्छा भाई आपको ये लेना पूरा आएगा भाई, मतलब अच्छा भी हो जाएगा भाई आपको, दूसरे भी काम हो जाएंगे मट्टी गिट्टी रखने के लिए हर चीज़ के लिए, तो भाई क्वालिटी पे क्वालिटी तो उसकी बेस्ट रहती है, उसके ना आप मट्टी खिलाओ या कबूतर नहलाओ सस्ते में अच्छा देसी जुगाड़ हो जाता है भाई,
ये तो आपने बच्चे दिख लिए चाहे इनके रेसर के पूरे अच्छे क्वालिटी के भाई बच्चे, वो भी अभी सेल हो चुके भाई, बुकिंग थी एक बंदे की, उसके बुक हो चुके हैं भाई ये वाले बच्चे, अभी ये जाने वाले हैं कुछ दिनों में यहाँ से। देखो भाई, और भाई अभी जितने भी कबूतर है भाई मेरे घर पे उनके एक के भी पैर बांध के नहीं है, सबको सब उड़ाना चालू है भाई, रेसर हो या कोई भी कबूतर हो। ये देखो भाई, सभी के सभी बहुत दिनों के बाद में बाहर निकले हो तो कैसे धूप सेक रहे भाई। चलो भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल नागपुर पिजन लॉप। और भी भाई नए नए वीडियो आते रहेंगे भाई, अच्छे अच्छे जुगाड़ के, उसके बाद में आपको एक्सेसरीज के अच्छे अच्छे और वीडियो आते रहेंगे। चलो भाई, थैंक यू, और सब्सक्राइब करो ना मत भूलना भाई मेरे दोस्तों, अच्छे अच्छे वीडियो के लिए, सेल के वीडियो आएंगे अभी और कुछ दिनों में।